नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जिला जालौन तहसील कालवी क्षेत्र के भेड़ी घाट का है, जहां खंड 6 के पट्टेदार की जमीन से अधिकारियों को संरक्षण में खंड 5 के पट्टेदार देवेश अग्रवाल दबंगई के बल पर पीड़ित की जगह से अवैध खनन का कारोबार लगातार कर रहा है। वहीं जालौन के अपने आप को जिम्मेदार अधिकारी कहने वाले, चाहे खनन अधिकारी हो या DM SDM, इस अवैध खनन के कारोबार में दबंग खनन माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। जब पीड़ित पट्टेदार ने जब इसकी विरोध किया तो दबंग खनन माफिया देवेश अग्रवाल ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। जब पीड़ित ने अधिकारियों के यहाँ शिकायत की तो अधिकारियों द्वारा जांच का हवाला देकर महीने से टरकाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जब जालौन खनन अधिकारी इस अवैध खनन को लेकर बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि भेड़ी घाट 6 में कोई भी पट्टा किसी को आवंटन नहीं हुआ, जबकि पीड़ित 1,59,00,000 रुपया राजस्व को जमा कर चुका है। साथ ही वहीं जब पीड़ित से इस संबंध में बात की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र के द्वारा शिकायत करते हुए न्याय के लिए गुहार लगाई गई है। अगर यूपी में अवैध खनन के कारोबार की बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अवैध खनन के कारोबार को लेकर सख्त दिखाई देते हैं। वहीं जिले के जिम्मेदारी अधिकारी की लापरवाही कही जाए या उनकी मिली भगत, जिसके चलते अवैध खनन के कारोबार अधिकारियों की संलिप्तता लगातार देखने को मिलती रहती है, जिसके चलते अवैध खनन का कारोबार लगातार फल फूल रहा और जिले के जिम्मेदार अधिकारी अवैध खनन माफियाओं के साथ मिलकर राजस्व को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। आपका भेड़ी घाट 6 नंबर जो हुआ था उसमें क्या समस्या आ रही है आपको? हमारा उसमें हाई कोर्ट इलाहाबाद से स्टे ऑर्डर है और अगल बगल के लोग अवैध ढंग से खोद रहे हैं, मना करने पे जान से मार देने की धमकी देते हैं और शासन और प्रशासन उनकी मदद कर रहा है और कहते हैं कि हम सब जगह पैसे देते हैं तो तुम क्या बिगाड़ लोगे। अभी जांच के लिए SDM साहब, SO अदौरा और सर्वेयर, ये सब लोग आए थे और कह रहे थे कि सर्वेयर कह रहा था चलो नाप हो जाएगी, हम यहाँ देख लेंगे वहाँ देख लेंगे, और GPS से उनने कहा GPS से हम नाप कर देते हैं तुम्हारी, और गाड़ी में बैठ गए, GPS चालू नहीं किया और जहाँ चिन्ह गड़ा था वहाँ पहुँच गए, बोले देखो तुम्हारी नाप हो गई GPS से। मुझे बताया नहीं कब चालू किया और कितना नापा क्या नापा, ये सब मुझे बरगला दिया और बोले ज़्यादा वो करोगे कार्रवाई तो तुम्हें मुकदमे लगा देंगे तुम्हारे खिलाफ। अच्छा, आपकी जगह से जो अवैध खनन जो लोग कर रहे हैं तो क्या ये अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है क्या? हाँ, ये अधिकारी मिले हुए हैं, उनको मना करते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं। अच्छा, अगर आपको नाम पट्टा था तो इसके बावजूद भी वहाँ पर इलीगल तरीके से खनन जो हो रहा था, तो इसकी सूचना आपने DM साहब को दी थी? आपको मैंने दे दी है, इसके बाद खनन अधिकारी को भी दे दी है, सर्वेयर को भी दे दी है और मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी में है और प्रमुख सचिव खनन उनको भी मैंने भेज दिया सूचना। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जहाँ से वहाँ से मेरी सीमा छोड़ दी जाए, मेरे खंड में खोदा ना जाए और अगर नहीं माने तो जान मान का मैं आत्महत्या कर लूँगा। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप आत्महत्या कर लेंगे? आत्महत्या कर लूँगा। मैं अनुसूचित जात से संबंधित हूँ, मेरी मैसेज के नाम है, इस वजह से मेरी कोई नहीं सुन रहा और सारे लोग जो पैसे दे देते हैं उन्हीं की मदद की जा रही है। सर्वेयर वगैरह आए थे 5 नंबर के, टेंट में बैठे रहे, उनकी गुफ्तगू होती रही, इसके बाद आए बोले आपका काम हो गया जाओ न किया। ये 5 नंबर जो है किसके नाम पे है? अभी 5 नंबर गुप्ता जी के नाम है और उनने अभी 4 दिन पहले मैंने मना किया था कि यहाँ से नहीं उठाएंगे माल, वहीं रखा है अभी माल, बिल्कुल उनने छिलाई करके वहीं छोड़ दिया है, बोले ठीक है हम नहीं उठाएंगे। फिर आगे काम है SC, उसके बाद उनके आके SDM साहब ने वहाँ से दिशा निर्देश कर दिया कि भाई यहाँ से तुम उठा सकते हो, तो संभवतः है नहीं, संभवतः नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे खंड से उठाया जा रहा है, महोदय रोका जाए, हम नहीं तो फिर मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊँगा।